हाँ, ये हम लोग अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ना जीरो ब्रांच का, कल हम लोग क्या बोलते हैं मैराथन रेस और 100 मीटर रेस कल शुरू किया था स्पोर्ट्स को, तो आज लिटरेरी कंपटीशन करा रहा है। ये हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे को कमेमोरेट करते हुए ये प्रोग्राम करा रहा है। नहीं, कैटेगरी तो नहीं है इसमें, क्लास 9, 10, 11, 12 उतना है। आज हम लोग तो पूरा स्कूल को सेकेंडरी लेवल को पूरा इनवाइट किया था, तो अभी हिल तो ये सेकेंडरी स्कूल से थोड़ा स्टूडेंट आए और यहाँ से भी है, और मीम बागान से तो पता नहीं, बाकी बाहर से भी आ गया। मतलब आप लोगों ने हाँ हाँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। तो ये स्कीम का शुरू मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव और शुरुआत जो ऐसे है कि 1961 से लेके 2011 तक का हम लोग पॉपुलेशन सेंसस को उसको देखा है, तो फीमेल चाइल्ड का बर्थ रेट जो बहुत लो हो रहा था हमारा कंट्री में, तो उसको देखते हुए हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया ना। तो इसका हम लोग का टारगेट है, एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि एवरी ईयर फीमेल का चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होता है फीमेल बर्थ को 2% एवरी ईयर इंक्रीज करने के लिए कोशिश करने के लिए। तो मेनली ये गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, बेटी के लिए है। आप लोग 8 मार्च को जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशन करने जा रहा है, जैसे आपने कल बताया था, तो उसके लिए आप ऑडियंस को क्या कहना चाहिए जिलों के पब्लिक लगता है? उसके लिए हम लोग तो पहले भी प्रेस ब्रीफिंग में वेलकम सबको इनवाइट तो कर चुका है, तो अभी हम दोबारा जीरो पब्लिक को जितना स्पेशली वुमेन फोक को बोलना चाहता है कि सब लोग पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो हम लोग साल में एक ही बार मनाता है और हर दिन तो अपना नॉर्मल ड्यूटी रहता ही है, एक ही दिन हम लोग वुमेन डे सेलिब्रेट करता है। तो इसलिए सबसे हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेगा, अपील करेगा कि जितना हो सके जो भी हो सके सब लोग पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश कीजिए। तो इस बार हम लोग पदयू भी आउटडोर स्टेडियम में मनाएगा और बहुत ग्रैंड से मनाएगा, बहुत सारा पार्टिसिपेंट भी होगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट से भी आएगा। तो ऐसे करके तो सब पब्लिक से हम रिक्वेस्ट करेगा कि सब लोग पार्टिसिपेट करें।